दोस्तों हम इस वीडियो में सीखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण मतलब कोई समीकरण है तो द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो ये सारी चीजों का आपको जो भी प्रॉब्लम हो गई आज माइंड से वो सारी चीजें एकदम खत्म हो जाने वाली है। तो सबसे पहले देखिए द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण यानी कि जिसका अधिकतम पावर, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा पावर एस की पावर टू हो, एस की पावर टू हो तो वो क्या होता है हमारा द्विघात समीकरण होता है। क्या होता है हमारा दो घात समीकरण। मैंने कहा यस की पावर टू हो, मैंने कहा यस की पावर टू हो तो ये दो घात समीकरण है। यानी कि जहां पे यस की पावर टू होगी वो दो घात समीकरण होगा। मैं कहूं यस की पावर थ्री, यस की पावर फोर, यस की पावर सिक्स तो ये सब द्विघात समीकरण है भैया, नहीं है। कहने का मतलब हमें अगर x की पावर 2 बचता है तो वो क्या होगा दो घात समीकरण होगा, यानी कि x की पावर 2 होनी चाहिए। अब देखिए मैंने कुछ सवाल ले लिए हैं, इक्वेशन ले लिए हैं समीकरण, अब इनको सॉल्व करके जानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। तो हमें पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, किसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या भैया होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिख लेते हैं a प्लस बी का क्या होता है। यहां हम लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर ठीक है प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला किसका होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब इनको सॉल्व करेंगे। देखिए a के जगह पे क्या है x है, यहां हम लिख देते हैं ठीक है a के जगह क्या है बाबू x है, अब b के जगह क्या है 1 है कि नहीं ठीक है। अब देखो a स्क्वायर a का मान कितना है x स्क्वायर कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्लस प्लस लिख ले 2 है तो 2 कर ले गुणे a का मान कितना है x x कर ले ठीक है, b का मान कितना है 1 1 कर लेते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, प्लस b स्क्वायर b का मान कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर कर ले। ये तो हमारा ये हो गया, यानी कि ये जो पार्ट है x प्लस होल x प्लस 1 का होल स्क्वायर हमने सॉल्व किया। अब बराबर करके दिया है कुछ नहीं, अब देखो 2 में x का गुणा करो तो 2 गुणे x तो 2x हो गया ठीक है। अब इस 2 में माइनस का चिन्ह माइनस, 2 में 3 का करो 2 3 6 हो गया। अब ये चीज हो गया। अब इस लाइन को सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर का तो x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2 1 कम 2 तो 2x हो गया ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है कोई दिक्कत नहीं, बराबर 2x माइनस 6 कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए x स्क्वायर लिखेंगे प्लस, अब देखिए ये इसको इधर ले आएंगे, पश्चांतर करने पे क्या ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2x को पहले लिख देते हैं ठीक है। अब देखो इधर ले आएंगे इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा माइनस में होगा 2x हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में, अब ये प्लस 1 है तो प्लस 1, अब इसको भी इधर ले आए माइनस 6 को भी इधर ले आए तो प्लस में हो जाएगा प्लस 7 बराबर, इधर कितना बचा सब इधर आया तो इधर क्या बचा 0, कितना बचा 0। अब देखिए अब x की पावर 2 प्लस 2m से 1 2 x गया कुछ नहीं बचा, कुछ बचा कुछ नहीं बचा तो ये तो कट गया ठीक है। अब देखो 7 और 1 8 कितना होगा x की पावर 8, ये हो गया ये है, यानी कितना x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 0, यानी कि x की पावर कितनी आ गई 2। तो मैंने कहा था जब x की पावर 2 आएगी तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अतः ठीक है द्विघात समीकरण है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं इसको हम तोड़ेंगे, चलिए इसमें तो कुछ नहीं होगा तो इसको तो हम लिख लेंगे x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, अब इसको हमको तोड़ना है, किसने पे तोड़ना है a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो लिख लीजिए यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है भैया a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये होता है। तो a के जहां पे क्या है भैया a के जहां पे क्या है x है, b के जहां क्या है भैया b के जहां क्या है 2 है कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो तोड़ लीजिए a स्क्वायर है तो यानी कि x का स्क्वायर हो गया भैया ठीक है, माइनस माइनस 2 क्या है माइनस 2 गुड़े a की वैल्यू कितनी है भैया a की वैल्यू कितनी है x x कर लीजिए, b की वैल्यू कितनी है भैया 2 है 2 कर लीजिए, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहां बिल्कुल भी इस साइड को छेड़िएगा मत, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1
कोई दिक्कत, आप देखिए इसको सही कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस दो दुनी चार एक्स प्लस दो का स्क्वायर चार। अब हमको सबको इस साइड लाना है और उधर जीरो करना, यानी हमको इस साइड जीरो करना है सबको इधर लाना है, तो लाइए एक्स स्क्वायर प्लस देखो तीन एक्स, अभी देखो तीन एक्स और चार एक्स एक सजातीय पद है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा चार एक्स। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है, प्लस वन है तो प्लस वन को लिख लीजिए ठीक है। अब ये इधर आके माइनस चार क्या हो जाएगा, प्लस चार क्या हो जाएगा माइनस चार हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर देखो प्लस में, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या बचा जीरो जब सब हम इधर ले आए। अब देखिए क्या हुआ, अब ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब कितना बचा चार तीन कितना बचा सात एक्स, कितना बचा सात एक्स बचा, कितना बचा सात एक्स, चार तीन सात और प्लस वन और माइनस चार तो कितना बचा माइनस तीन बचा, बचा कि नहीं। तो एक्स बराबर क्या आया हमारा ठीक है, एक्स बराबर क्या आया तीन बटा सात, बराबर क्या आया तीन बटा सात। तो एक्स की पावर कितना है, जहां किसी की पावर नहीं होती है, अगर मान लीजिए एक्स लिखा है ना यहां पावर वन छुपा है, अगर किसी का पावर कुछ लिखा ही नहीं होता तो मान लीजिए कोई संख्या वही है तो उसका पावर वन छुपा है, तो यस यहां देखो कुछ नहीं लिखा है यस के ऊपर तो यानी कि पावर वन है, तो यानी कि द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए यस की पावर टू, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो यस की पावर वन है तो द्विघात समीकरण नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं ये दो घात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आई होप आपको समझ में अच्छे से आएगा, अगर आपको अच्छे समझ आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए।